सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने तहलका काट रखा है। फिल्म ने पहले 3 दिनों में ही भारत में 135 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। चौथे दिन भी फिल्म के 33 करोड़ कमाने का अनुमान है। ऐसे में फिल्म का सक्सेस प्रेस इवेंट रखा गया, वहां सनी देओल ने जनता को शुक्रिया कहा और भी तमाम बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने ऑडियंस का धन्यवाद करते हुए कहा, तारा सिंह को आपने फिर से जिंदा कर दिया। दरअसल इसमें सनी के दो आशय थे, पहला तो गदर के बाद दोबारा उनके तारा सिंह के किरदार को खूब प्यार दिया, दूसरा ये कि करीब 2 दशक के बाद सनी की कोई ऐसी फिल्म आई है जिसके हिट कहा जा सकता है। सनी देओल ने कहा कि गदर 2 करते समय वो बहुत नर्वस थे क्योंकि पहली वाली फिल्म एक कल्ट पिक्चर है और उस चीज को दोबारा करना सब बर्बाद कर सकता था। आगे सनी कहते हैं, लेकिन जब उन्हें स्टोरी सुनाई गई तो उन्हें सीक्वल के आइडिया में दम दिखा, बाकी सब इतिहास है। सनी देओल ने कहा कि फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन चीजें तब बेहतर होने लगी जब उन्हें बताया गया कि कैसे गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने के लिए तैयार है। सनी के सामने जब तस्वीर साफ हुई तो वो अपनी हंसी और रोना नहीं रोक सके। उन्हें अपने अभिनेता पिता धर्मेंद्र को बताना पड़ा कि वो नशे में नहीं है। सनी के शब्द थे, वास्तव में रिलीज से पहले मैं बहुत ज्यादा तनाव में था, जैसे सब होते हैं। मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चला हूँ जो सबसे कठिन रास्ता है क्योंकि वहां आप अकेले होते हैं, लेकिन फिर जो जीत मिलती है वो सबसे ज्यादा मीठी होती है। इसलिए जब फिल्म शुरू हुई तो मुझे अपने भीतर भगवान के होने का एहसास हुआ। मैं पूरी शाम रोता रहा, हंसता रहा। मैं अपने पिता को मिला और कहा, डैड मैं नशे में नहीं हूँ, खुश हूँ, मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उत्थे मेरे नाल मेरा रब आ गया। सनी देओल ने क्लास और मास फिल्म के नाम पर मूवी को नकारने वालों को आड़े हाथ भी लिया। उन्होंने कहा, मैं अपने फैंस से वादा करता हूं कि मैं ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाने वाला हूं। वो कहते हैं, फिल्म फॉर मासेस। इस शब्द से आपका क्या मतलब है? जनता तो जनता है, इसका मतलब हर कोई। आप उनको मास बोलकर नीचा दिखा रहे हो। आप बड़े हो, आपको अकल नहीं है। जो अपने आप को अलग करता है उसको समझ नहीं है हिंदुस्तान क्या है। अपने देश को समझिए, अपने घर को समझिए। सनी ने आगे कहा, हमें खुद पर काम करना चाहिए, अपने टैलेंट पर काम करना चाहिए। हमारे पास बहुत टैलेंट है, दुनिया हमसे चुरा कर न जाने कहां पहुंच गई। उनकी नकल ना करें, हमारे पास अपनी प्रतिभा है। आइए अपना खुद का कुछ बनाएं। लोग मुझसे कहते हैं, चलो वैसा ही एक सीन करते हैं। मुझे लगता है कि क्यों, क्या हम कुछ नया नहीं सोच सकते? सनी ने यह भी कहा, गदर ने बहुत कमाल का बिजनेस किया था, गदर 2 का उसके करीब जाना जरूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी। गदर 2 जैसी कमाई कर रही है, उसके अनुसार फिल्म अगले 2 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। आपने गदर देखी क्या? कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं, अपनी राय आप कमेंट में बता सकते हैं। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अनुभव ने। मेरा नाम है सोनल। सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।